हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं लेकर आई हूँ क्रोशिए का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन और इसे बनाना है बहुत ही आसान। तो इसे बनाने के लिए देखिए मैंने एक सिंगल फंदे बनाया है क्रोशिए के ऊपर और इस सिंगल फंदे से मैं चेन बनाऊंगी। जितना बड़ा डिज़ाइनिंग बनाऊंगी जैसे हर बार बनाती चली आई हूँ मैं और सारे डिज़ाइंस में। और ये चेन मैं उतनी बड़ी बनाती चली जाऊंगी जितनी मुझे चाहिए होगी। ये देखिए मैं आपको सैंपल बनाकर दिखाऊंगी और सैंपल बनाने के लिए मुझे जितनी बड़ी चेन चाहिए होगी डिज़ाइनिंग के लिए उतनी बड़ी चेन बना लूँगी मैं। और इस तरह से मैं तीन चेन छोड़कर चौथी चेन पे मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी और फिर मैं आगे की चेन में भी डबल क्रोशिया बना लूँगी। और उसी चेन से मैं उसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी, यानी कि सिंगल चेन से दो बार डबल क्रोशिया। और मैंने पहले भी एक सिंगल फंदे की तीन बार चेन ली थी और दूसरी बार एक डबल क्रोशिया, यानी हमारे दो डबल क्रोशिया गिने जाएंगे उस डिज़ाइन में। और आगे की चेन से मैंने दो बार डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर आगे की चेन से मैंने दो बार डबल क्रोशिया, ये मैं चार बार करूँगी और आठ बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। हर दो बनाऊँगी एक ही जगह से, देखिए इस तरह से, और गिन लूँगी मैं ये आठ। बनाने के बाद मैं देखिए इस तरह से दो चेन छोड़कर तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके आगे फिर मैं दो चेन छोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी सिंगल। फिर मैं दो चेन छोड़कर डबल क्रोशिया बना लूँगी तीसरी चेन पर। फिर एक बार फिर मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी दो चेन छोड़कर, देखिए इस तरह से। और ये मैंने चार बना ली हैं, एक बार और बना लूँगी मैं उसी तरह से। मैं यहाँ पर पांच बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाऊँगी, दो दो सिंगल चेन छोड़कर पांच बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर मैं दो चेन छोड़कर तीसरी चेन पर इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसी जगह से फिर एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी जैसे मैंने किनारे से किया था। फिर आगे की चेन से फिर मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी और उसी जगह से फिर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से मैं पांच चेन से दस बार डबल क्रोशिया दो दो करके बनाती चली जाऊंगी। इस तरह से देखिए हमारा डिज़ाइन आएगा देखने में ऐसा लगेगा। और ये मैं देखिए यहाँ से सात बार बना चुकी हूँ, ये आठ, और एक सिंगल चेन से दो बार मैं और बनाऊँगी, यानी दस बार डबल क्रोशिया और पांच चेन से हर चेन से दो दो बार डबल क्रोशिया। उसके बाद मैं पहले की तरह दो चेन छोड़कर तीसरी चेन से सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी
फिर इसके बाद दो चेन छोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर भी पांच बार सिंगल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी, बीच में दो दो सिंगल चेन छोड़ती हुई। और पहले मैंने पीछे की जहाँ से शुरू किया था वहाँ से मैंने आठ बार जो डिज़ाइन बनाया था दो दो करके चार चेन में, उसी तरह से देखिए मैं यहाँ पर भी दो सिंगल चेन छोड़कर बनाती चली जाऊँगी किनारे पे। ये देखिए मैंने पांच बार सिंगल डबल क्रोशिया बना लिया है दो दो चेन छोड़कर, और इसी तरह से मैं अब दो चेन छोड़कर सिंगल चेन में एक ही जगह से दो बार डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए इस तरह से आएगा हमारा डिज़ाइन देखने में। ये जो किनारे पे मैंने आठ बनाई हैं इस किनारे पे भी मैं आठ बनाऊँगी, जिससे हमारी दोनों साइडें बराबर देखने में अच्छी लगें। ये देखिए हमारा बनकर डिज़ाइन तैयार है एक बार। और देखिए ऊपर बनाने के लिए हम एक बार सिंगल फंदा लेंगे, उसके बाद हम हर सिंगल फंदे से दो बार सिंगल फंदा लेने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे की बुनाई हर चेन से बनाते चले जाएंगे डबल क्रोशिए की ऊपर वाली, हर डबल क्रोशिए के ऊपर से इसी तरह से पूरे डिज़ाइन में बुनाई करते चले जाएंगे हम। इस तरह से देखिए पूरी में हम बना लेंगे, और फिर उसके ऊपर हम उसी तरह से देखिए किनारे पे भी हम उसी तरह से पूरे डिज़ाइन बनाने के बाद देखिए ऊपर बनाने के लिए हम देखिए लास्ट में सिंगल फंदे से तीन बार चेन लेंगे पहले की तरह, और इसी जगह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और आगे की देखिए चेन से फिर सिंगल डबल क्रोशिया, और उसी जगह से एक और सिंगल डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैंने पहले आठ डबल क्रोशिया बनाई थी चार चेन से, और यहाँ पर भी मैं चार जो किनारे की चार डबल क्रोशिया हैं उनकी चेन से ऊपर इस तरह से आठ बार डबल क्रोशिया बना लूँगी दो दो करके। दो दो डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए मेरी ये गिनकर आठ डबल क्रोशिया हो गई हैं, और अब मैं जैसे पहले मैंने नीचे बुना था उसी तरह से दो सिंगल फंदे की चेन छोड़कर, जैसे मैंने पहले दो चेन छोड़ी थी इस बार मैं दो सिंगल फंदे की चेन छोड़कर, और देखिए डबल क्रोशिया बना लूँगी सिंगल इस तरह से। देखिए ये दो सिंगल फंदे की चेन छोड़कर इस तरह से, फिर आगे सिंगल फंदे की दो चेन छोड़कर बुन लूँगी डबल क्रोशिया, तीन चार, यहाँ पर भी मैं पहले की तरह ही पांच बार डबल क्रोशिया सिंगल
बना लूँगी। हर दो सिंगल फंदे की डिज़ाइन छोड़ कर देखिए इस तरह से, और आगे बीच में जहाँ पर मैंने पहले 5 सिंगल फंदे की चेन से 10 बार डबल क्रोशे बनाए थे, किनारे पर भी मैं 2 सिंगल फंदे छोड़ूंगी इस तरह से। और उसके बाद मैं देखिए हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन से 2 बार डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। यहाँ पर भी मैं जैसे नीचे मैंने 5 बार सिंगल फंदे की डिज़ाइन से 10 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, 2-2 करके यहाँ पर भी बनाती चली जाऊंगी उसी तरह से। ये देखिए 2 * 2 = 2 * 4 * 3 = 6 * 8 * 5 = 10 हो गए हमारे डबल क्रोशिया। और फिर मैं 2 सिंगल फंदे की चेन छोड़कर सिंगल डबल क्रोशिया बना लूँगी, और फिर आगे उसी तरह से 2 सिंगल फंदे की डिज़ाइन छोड़ते हुए मैं गिनकर 5 बार सिंगल डबल क्रोशिया बुनती चली जाऊँगी इस तरह से, जैसा मैंने पीछे बुना है डिज़ाइन। देखिए 5 डिज़ाइन हमारे बन गए हैं सिंगल डबल क्रोशिया के। उसके बाद फिर मैं 2 सिंगल फंदे की डिज़ाइन छोड़कर तीसरे पे डबल क्रोशिया बना लूँगी, और यहाँ पर भी मैं उसी तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी 1-2 हर सिंगल फंदे की डिज़ाइन से, जैसा मैंने पहले बनाया था। और यहाँ पर मैंने इस साइड में भी 8 बार ही डिज़ाइन बनाऊँगी, जैसे मैंने पीछे उस साइड में बनाया है। देखिए इस तरह से दिख रहा है हमारा डिज़ाइन, और इसी तरह से देखिए ऊपर भी बनता रहेगा। और देखिए ऊपर बनाने के लिए उसी तरह से फिर मैं सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी एक बार, और फिर आगे के सिंगल फंदे की डिज़ाइन जो डबल क्रोशिया के ऊपर है वैसे ही बुनती चली जाऊंगी सिंगल फंदे से, जैसा मैंने पीछे बुना था नीचे। पूरे डिज़ाइन पे मैं एक साइड से इसी तरह डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी सिंगल फंदे की हर डबल क्रोशिया के ऊपर से। और जैसा मैं 2 बार ये डिज़ाइन बनाती चली आई हूँ ऊपर, उसी तरह से डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। मैंने ये आपको छोटा सा सैंपल बनाकर दिखाया इस तरह से, और आप चाहो तो अपना कार्डिगन, स्वेटर कुछ भी बना सकते हो इससे। तो आपको जितने भी साइज़ के फंदे चाहिए हो डिज़ाइनिंग के लिए, उतनी बड़ी चेन बनाकर बना सकते हो। सेम डिज़ाइन चलता चला जाएगा हमारा ऊपर तक। लास्ट में मैंने 8-8 बार डिज़ाइन डाला है, आपकी चेन के अनुसार आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो। हर जगह 10-10 फंदे या 12 का बना सकते हो, छोटा बड़ा भी कर सकते हो। तो देखिए उसी तरह से मैंने लास्ट में 8 बार और फिर 2 सिंगल फंदे की चेन छोड़कर हमारे फंदे अपने आप हिसाब से होते चले जाएंगे कम्बड़ डिज़ाइनिंग के हिसाब से। और देखिए इस तरह से आगे हमारा उसी पैटर्न पे बनता चला जाएगा जैसा मैंने पहले बताया है 2 बार। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पर भी मैं 2 सिंगल फंदे की चेन छोड़कर
डबल क्रोशिया एक सिंगल फंदे जगह से लेती चली जाऊंगी। यहाँ पे मैं पहले की तरह ही 10 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी गिनकर, हर सिंगल फंदे से 2 बार, 4 सिंगल फंदे से 10 बार मैंने 8 बार किनारे पे बनाए थे, और इस जगह पे 5 सिंगल फंदे से 10 बार, यानी कि हर सिंगल फंदे में डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से, इसी तरह से पूरा डिज़ाइन बनाती चली जाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आए ये मेरे द्वारा बनाया हुआ प्यारा सा क्रोशिये का डिज़ाइन, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को मेरी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए। और अगर इसके अलावा और भी डिज़ाइंस देखने हो आपको मेरे द्वारा बनाए गए क्रोशिये के, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइंस लाती रहूँ आप लोगों के लिए क्रोशिये के। धन्यवाद।